कि गुरुनाम जी किस तरह से जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपको संयुक्त मोर्चा की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये पूरा मामला? जिस तरह से कल आपने दिल्ली में एक बैठक की है विपक्ष के नेताओं के साथ, उसके भी आरोप कहीं ना कहीं कि आप पर लगाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस नेता तो यहीं पे आए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ तो सारे आए हैं। अभय चौटाला भी आए, कांग्रेस वाले भी आए हैं, दूसरे तीसरे भी आए हैं, जो मर्जी आए आएगा तो हमें चाय पिलानी पड़ेगी। भाई, आपके घर पे जाएगा, आप चाय नहीं पिलाओगे, बिठाओगे नहीं, क्या भगा दोगे बाहर से? इज्जत करना, और अगर कक्का इस तरह के इल्जाम लगाता है या कोई भी लगाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सबूत दे उसके। उसने तो ये भी कहा ये टिकट मांगता है, उसकी सेटिंग की है और पैसे के भी इल्जाम लगा दिया उसने, तो क्या सबूत है उसके पास? में किसान मोर्चा से ये कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। सिंगू बॉर्डर पर हमारे साथ गुरुनाम चुडुनी, उनसे बात करेंगे कि गुरुनाम जी किस तरह से जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपको संयुक्त मोर्चा की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, मेरे को तो अभी तक नहीं पता, मेरे पास तो अभी तक कोई खबर नहीं है, ना संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई चिट्ठी मिली, ना टेलीफोन आया, ना कोई उन बुलावा आया, मेरे को अभी तक उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह से कल आपने दिल्ली में एक बैठक की है विपक्ष के नेताओं के साथ, उसके भी आरोप कहीं ना कहीं आप पर लगाई जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल से शायद ये दिमाग में कहीं बात घर कर गई या प्रदर्शित किया जा रहा है इस तरह का कि जैसे वो मीटिंग मैंने ही बुलाई है, जैसे वो मीटिंग का मैं ही मालिक हूँ। अरे भाई, वो एक कमेटी है, कई लोग उसमें शामिल हैं, वो कमेटी पहले से काम कर रही है, मैं तो उसमें एक मेंबर रख लिया गया, और मैं कोई संयुक्त मोर्चे की तरफ से नहीं गया, बिल्कुल कह के गया हूँ कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से नहीं, मैं अलग से आ रहा हूँ आपके बीच में। और एक उन जो समाज सेवी लोग हैं, जो कई लोगों की कमेटी बनी है, उनकी समझ में एक बात ये आई है, अपनी अपनी समझ है, उनकी समझ में एक बात ये आई है कि ये जो राजनेता लोग हैं इनको अलग से एक जन संसद बुलानी चाहिए, और जन संसद बुला के इनको भी अपनी बात देश के सामने रखनी चाहिए कि वो किस पक्ष में है, वो क्या चाहते हैं। बीजेपी ने तो कह दिया हम तो ये कानून चाहते हैं, भाई विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ने तो अभी तक दो लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी, तो उन्होंने एक जन संसद बुलाने का सभी को कहा कि आप लोग सब मिलकर एक जन संसद बुलाओ, उसके लिए मीटिंग बुलाई, उसमें मैं था। तो वो अपराध नहीं हो गया कि मैं कोई उनसे लालच के बस या कोई मेरी वो सोच हो सकती है, मेरे विचार हो सकते हैं कि ठीक है, दूसरे के विचार हो सकते हैं गलत है, गलत ठीक की विचारधारा हो सकती है। आरोप वो होता है जो किसी बदनीयत से किया गया हो, जिसके पीछे कोई साजिश हो, आंदोलन को तोड़ने की, आंदोलन को कुछ करने की साजिश हो। ये तो मैं उनसे कह चुका हूँ पहले ही कि मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आंदोलन को झटका पड़े। अगर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करके मेरे को ये कहता कि नहीं आपने नहीं जाना, मैं ना जाता। अब भी वो कहेंगे नहीं जाना तो नहीं जाऊँगा। अरे भाई, हमने आंदोलन को बचा के रखना है, आंदोलन को नहीं तोड़ना हमने। अब वो पता नहीं क्या अपनी सही बुद्धि का परिचय नहीं दे रहे, क्या वो कर रही है, मेरे पास तो अभी तक कोई खबर है नहीं, लेकिन क्या चल रहा है। जिस तरह से शिव कुमार कक्का ने आप पर आरोप लगाए हैं कि किसी कांग्रेस नेता से भी मिले हो, वो आंदोलन को तोड़ने की साजिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस नेता तो यहीं पे आए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ तो सारे आए हैं, अभय चौटाला भी आए, कांग्रेस वाले भी आए हैं, दूसरे तीसरे भी आए हैं, जो मर्जी आए आएगा तो हमें चाय पिलानी पड़ेगी। भाई, आपके घर पे जाएगा, आप चाय नहीं पिलाओगे, बिठाओगे नहीं, क्या भगा दोगे बाहर से? आए हैं, चाय पिलाइए, उनका सम्मान किया है, अभय चौटाला भी आया है, उसका भी सम्मान किया है, हालांकि मेरी अभय चौटाला से बनती भी नहीं थी, फिर भी मैंने सम्मान किया है, स्वागत किया है, धन्यवाद आपका आए। ये हमारा धर्म बनता है, हम अपने धर्म से नहीं गिर सकते, ये हमारा धर्म आए कि इज्जत करना। और अगर कक्का इस तरह के इल्जाम लगाता है या कोई भी लगाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सबूत दे उसके। उसने तो ये भी कहा ये टिकट मांगता है, उसकी सेटिंग की है और पैसे के भी इल्जाम लगा दिया उसने, तो क्या सबूत है उसके पास? में किसान मोर्चा से ये कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें, बाहर निकालें उसको, ऐसे आदमी को जो फूट डालना चाहता है। और कक्का के बारे में और बता दूँ आपको, ये मध्य प्रदेश से बैठे हैं, ये आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह बता देंगे, अभी सवेरे मिले हैं मेरे को। हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा किसान भी पहुँचे हैं, किस तरह आप कक्का जी को जानते हो? देखिए, मैं क्या जानता हूँ, पूरा देश जानता है,
कक्का जी भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है उसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उनका एक ही काम रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के जो आंदोलन होता है, जनता की जो आवाज़ होती है, उसमें वो फूट डालने का काम करते हैं और वही काम आज वो मैं समझता हूँ इस किसान महाआंदोलन में करने का काम कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। ये गुरुनाम चुडुनी जी का कहना है कि निराधार आरोप हर संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई नोटिस मिला है और कक्का ने जिसने ये आदेश दिए उन जिन्होंने आरोप लगाए उन पर कार्रवाई संयुक्त मोर्चा के करे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब के सी टीवी।